पेंट वगैरह का जो रहता है वो सब जगह पे यूज़ होता है। इसको यूज़ करने का तरीका सबसे पहले क्या है, हम इसका पहले फर्स्ट में डेट देखेंगे कि कौन सा डेट है इसका। पहला स्टेप डेट देखेंगे, इसका डेट क्या है। अगर ये डेट है मतलब ये 2021 या 2020 जो चल रहा है उसका डेट है दिसंबर का, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या इसका डेट हो गया जुलाई 2020 का तो एक्सपायर हो गया। क्या रहता है, एक्सपायर होने के बाद जो पाउडर की कैपेसिटी रहती है ना, पाउडर वही रहता है लेकिन जो उसकी ताकत रहती है ना ख़त्म हो जाती है कि नहीं। अभी उबाला हुआ दूध कैसे रहता है, ठंडा होने के बाद वो उसका जो रहता है वो अलग हो जाता है, तो वैसे इसका भी है। तो आपको ये पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप देखना है इसका काटा, इसका काटा देखना है ग्रीन जोन पे है कि रेड जोन पे। अगर ये ग्रीन जोन पे है तो एक्टिव है, मतलब है अभी सिस्टम में। अगर ये रेड जोन पे आ गया तो ये इसका जो है ख़त्म हो गया, एयर निकल गया इसका, प्रेशर निकल गया इसका। आप यूज़ करोगे तो कुछ नहीं आएगा, खा दबाते रह जाओगे इसको। थर्ड ऑप्शन क्या करना है हमको, जब कहीं पे छोटा मोटा फायर होता है तो उसके लिए नॉर्मल फायर शॉर्ट फायर के लिए होता है, छोटे फायर के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका पिन तोड़ना है, इसका पिन तोड़ना है। पिन तोड़ने के बाद ये निकालना है इसको, ये निकाले हम। निकालने के बाद हमको क्या करना है, देखना है पहले कि आग लगा है हवा किधर है, हवा का रुख कौन से साइड में है, ये थोड़ा धूल या कुछ मतलब उठा करके देखना है। अभी हवा जिस तरफ चल रहा है ना, अभी ये हवा इधर ही चल रहा, हम इधर खड़े, अगर हवा ये साइड में चल रहा है तो हमको ये साइड में आना है, ठीक है। मतलब उसके अपोजिट ऊपर से जी, ये पहले सील रहता है सर, ये सील तोड़ना है हमको और ये पिन निकालना है। और निकालने के बाद इसका जो कैपेसिटी और ताकत रहता है ना, यहाँ से कम 5 मीटर रहता है इसका प्लेस से, 5 मीटर रहता है इसका। जब फायर होता है तो हमको जो जब फायर हुआ ना उसके पीछे पीछे साइड में मारना है उसको, ये नहीं कि फायर हो रहा है और उसके बीच में हम मारेंगे तो क्या रहेगा, आग फैलेगा, ठीक है। ये DCP ये पहले पुराने टाइप में आता था, अभी उसका ये नया टाइप आ रहा है ABC। सेम जो काम वो करता है सेम यही काम वो करता है, ठीक है। जो काम वो करता है वही काम करता है। इसमें क्या है, ये है ना, इसका भी सील तोड़ना है, इसको ज़ोर से मारना है, मारने के बाद इसका जो रिंग है ना घुमाना है, तो सेम ही है जैसे आपका सतह आपका जो जिधर रहता है, ठीक है। ये पोजीशन पे हमको पकड़ना है, पैर का भी स्टेप देखो, ये पोजीशन पे हमको पकड़ना है। इसमें क्या गेज वगैरह नहीं रहता आपको चेक करने के, खाली उसका डेट चेक करना है कि कौन से डेट पे, ठीक है। ये दिखा दो डेट कहाँ होता है, कहाँ लिखा होता है। ये गेज है प्रेशर गेज का जो है ना, ये गेज है, इस पर आपको देखना है ग्रीन पे है कि रेड जोन पे है, ठीक है। डेट तारीख कहाँ लिखी, हाँ ये तारीख रहता है आपको पीछे साइड में है ना, रिफिलिंग का डेट रहता है, किस डेट में हुआ, किस टाइम पे ये ख़त्म होने वाला है, वो डेट रहता है। ये थर्ड अपना आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम CO2, ठीक है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट रहता है, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट रहता है, जनसेट का एरिया रहता है, जो अपना इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है वहाँ पे यूज होता है। वहाँ पे आप इसको यूज़ करने का तरीका सेम है, इसका सील तोड़ना है, सील तोड़ने के बाद इसको पिन निकाल देना है, ठीक है, और इसको घुमाना है। ये घुमाते जाएंगे, ये ठंडा रहता है, ठीक है। आपने अगर इसको गलत पकड़ा तो आपको डैमेज भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने बताया है, किसी को अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो यहाँ। ये इसके लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर एरिया जो आपका वहाँ पर यूज होता मीटर है, हाँ मीटर रूम वगैरह में यूज होता है आपका। और अगर हमारे इधर भी कोई इलेक्ट्रिक कार हुआ तो यहाँ भी यूज़ करते हैं, हाँ ये उसके लिए कहीं पर मतलब सिस्टम एक ही है, आग लगा तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली फायर लकड़ा कपड़ा पुट्ठा वगैरह जो पेड़ वो हो गया ये है, वो मेरी इलेक्ट्रिक फायर जी जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही काम आता है। लेकिन अगर मान लिया इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरे में भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं दूसरे में कैसे यूज कर सकते, नहीं कर सकते उसके लिए जी। हाँ इसमें चार प्रकार का होता है, ABC, DCP, CO2, मैकेनिकल फॉर्म। मैकेनिकल फॉर्म हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है ना वहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको। ये वाला
ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कैसे, सामने सामने सब लोग पब्लिक को जहाँ एड्रेस कर रही है, इन लोगों के सामने इसको यूज करना है, आपको बताया ना मैंने कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप का मैंने आपको बताया, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ये मुझे हाँ ये सही आदमी पता, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, तो कैसे पकड़ना मैं बता रहा हूँ। ये है ना, ये पैर का डिस्टेंस भी देखना है, ठीक है, इससे आपको बैलेंस मिलेगा। और ये आपने दबा दिया, इसका सील तोड़ दिया, इसको सील तोड़ना है और ये बाद निकालना है, और फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, ऐसे ऐसे काटते जाना है। और इसमें कैसे थोड़ा सा सेफ्टी भी रखना है, ये कोल्ड बोल दे तो ठंडा रहता है, हाथों भी फाड़ देता है, ये इसके जैसा नहीं है, इसमें सेफ्टी भी थोड़ा रखना पड़ता है। सेफ्टी में क्या है, आपको जब हम यूज़ करेंगे ना तो पहले इसका हम पाइप देखेंगे कि पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है या यहाँ से लीकेज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारा सिस्टम देखने के बाद हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज कहाँ पे करना है आपको, हीटर रूम में, जो बड़ा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट वगैरह है ना, जनसेट का एरिया है, वहाँ पे आपको इसको यूज करना है। नॉर्मल के लिए कैसे, जैसे किसी का घर वगैरह है, किचन वगैरह है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ये नहीं कि जहाँ पे वहीं पे यूज करना है, ये कहीं में भी किचन में आग लग गया या छोटा मोटा फायर हो गया तो उसको यूज करना है, ठीक है। इसका भी सेम है, इसका पिन तोड़ना है, इसको मारना है फटका, मारने के बाद घुमाना है इसको, इधर से घुमाते जाना है, वो तो ऐसे नॉर्मल सबके समझ में आता है, जब यूज होता है तो हाँ तभी प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल तो तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा, अभी दो मिनट के बाद तो फिर आग लगाओ इसको, चलो आग तब तुम भागने लगो, करना उसको दो आदमी भाई कुछ गलत मत बोलो, जाता है गवर्नमेंट को जाता है वो, समझे क्या, वो सब वीडियो बन के जाता है वो, गलत कुछ मत बोलते जाओ तुम, काट काट के तो नहीं है, दस दस पाँच पाँच मिनट का, नहीं तो पूरा जाएगा नहीं, लास्ट क्लीनिंग काट दीजिए अब तो सब।